एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और रिपोर्ट के साथ, या यूं कहे कि एक और दुखद खबर के साथ। जी हाँ, नामकरण शो तो आपने देखा ही होगा, जिसमें जैन इमाम एक्टर ने निभाया था नील का किरदार। अवनी और नील की इस जोड़ी को फैंस ने खूब प्यार दिया था, और अवनी और नील की इस जोड़ी को प्यार के साथ इस शो को काफी ज्यादा TRP भी मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नामकरण के फेमस एक्टर जैन इमाम के घर से आई है बेहद ही बुरी खबर सामने। जी हाँ, आपको बता दें कि जैन इमाम के कजन ब्रदर का निधन हो गया कोरोना की बीमारी की वजह से। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए ये खबर। सबसे पहले टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने अपने पिता को खो दिया कोरोना वायरस की बीमारी के चलते। फिर खबर आए बिग बॉस कंटेस्टेंट रही निकी तंबोली को लेकर, जहाँ पर हाल ही में निकी तंबोली के भाई जतिन का भी कोरोना की बीमारी के चलते निधन हो गया। लेकिन अब खबर आ रही है एक और टीवी एक्टर को लेकर, जिसने हाल ही में अपने भाई को खो दिया सिर्फ और सिर्फ कोरोना की बीमारी की वजह से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल नामकरण के फेमस एक्ट्रेस जैन इमाम को लेकर, जिनके कजन सैयद तकी इमाम का कोरोना से निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जैन इमाम ने अपने फैंस को दी। जैन इमाम ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हम सभी अपने सबसे प्यारे और सबसे बड़े कजन भाई कुकू यानी कि सैयद तकी इमाम को अलविदा कह रहे हैं। बता दें कि मेरे भाई सबके दिलों में कई तरह की अपनी अलग अलग जगह बना कर गए हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा कि भाईजान आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। हम सभी को यकीन था कि आप कोरोना को मात देकर जल्दी ठीक होकर वापस अपने घर लौट आएंगे, लेकिन लगता है कि कुछ और ही मंजूर था खुदा को। आप बहुत याद आओगे भाई। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो चलिए अब बात करते हैं जैन इमाम की रियल लाइफ को लेकर, उनसे जुड़े जिंदगी को लेकर हम करेंगे आप सबके सामने खुलासा। आपको बता दें कि जैन इमाम टीवी सीरियल के बेहतरीन एक्टर है, जिन्होंने कई टीवी सीरियल्स में बेहतरीन कलाकारी के साथ सफलता हासिल की है। बता दें कि टीवी सीरियल के फेमस एक्टर जैन इमाम का जन्म 18 मई सन 1988 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। जैन इमाम का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ। जैन इमाम को बचपन से ही पढ़ाई करने का काफी शौक था। जैन इमाम बड़े हुए और उनकी उम्र स्कूल जाने लायक हुई, तब उनके माता पिता ने जैन इमाम को शिक्षा यानी कि पढ़ाई दिलाने के लिए स्कूल भेजने का फैसला किया। जैन इमाम की शुरुआती पढ़ाई एमिटी इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में से हुई, जहां से जैन इमाम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। जैन इमाम जब अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर रहे थे, तब वो स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया करते थे। जैन इमाम जब स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी एक्टिंग दिखाया करते थे, तब सब हर कोई जैन इमाम की एक्टिंग की तारीफ करता था। सिर्फ स्कूल के बच्चे ही नहीं, दोस्त ही नहीं, बल्कि टीचर्स भी। बता दें कि दिल्ली की एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से जैन इमाम ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। जब जैन इमाम ने एमिटी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तब जैन इमाम और आगे पढ़ना चाहते थे, जिसके लिए जैन इमाम ने दिल्ली के विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लिया। दिल्ली के विश्वविद्यालय से जैन इमाम पढ़ाई करने लगे थे, और दिल्ली के विश्वविद्यालय से जैन इमाम ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। आपको बता दें कि ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जैन इमाम ने और भी आगे पढ़ना चाहते थे, जिसके लिए जैन इमाम मुंबई जाने का फैसला लिया। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जैन इमाम मुंबई चले गए, और मुंबई के विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया। मुंबई के विश्वविद्यालय से जैन इमाम ने MBA की पढ़ाई पूरी की। मुंबई के विश्वविद्यालय से जैन इमाम ने MBA की पढ़ाई पूरी कर ली थी।
जहर इमाम ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तब वो मॉडलिंग करने के लिए तैयार हो चुके थे। मॉडलिंग के करियर में सफलता पाने के लिए उनका उद्देश्य था काफी ज्यादा मेहनत करना, और जहर इमाम ने मॉडलिंग के करियर में अपनी काफी ज्यादा मेहनत की और इस सफलता को प्राप्त किया। जहर इमाम को मॉडलिंग करने का मौका तब मिला जब उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने की कोशिश की। इसके बाद जहर इमाम ने टीवी सीरियल में अपनी एक्टिंग करने का फैसला लिया। बता दें कि साल 2014 में जहर इमाम ने कल्लूरी परवेगल सीरियल से एक्टिंग करने का मौका मिला था। जब जहर इमाम को 2014 में कल्लूरी परवेगल सीरियल में एक्टिंग करने का मौका मिला तब जहर इमाम को इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने देना था और इसे टीवी सीरियल को टीवी पर टेलीकास्ट भी किया गया था, जिसमें फैंस ने जहर इमाम की एक्टिंग और जहर इमाम को खूब प्यार दिया और जहर इमाम की एक्टिंग को भी काफ़ी ज़्यादा सराहा। और इसी तरह जहर इमाम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए और ज़िंदगी में ऊंचाइयों को हासिल करने की कोशिश की। आपको बता दें कि जहर इमाम को सबसे ज़्यादा पहचान मिली सीरियल नामकरण से। जब नामकरण सीरियल में जहर इमाम का किरदार नील नाम से अवनी के अपोजिट दिखाया गया तो फैंस ने अवनी और नील की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और नामकरण शो से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे जहर इमाम, जहाँ पर मेन लीड एक्टर के तौर पर जहर इमाम नज़र आए थे। और इस बेहतरीन एक्टिंग के साथ जहर इमाम को फैंस ने भरपूर प्यार दिया। आपको बता दें कि ये शो तो ऑफ एयर हो चुका है, लेकिन आज भी लोग जहर इमाम को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं। आपको बता दें कि जहर इमाम को लेकर आज ही खबर आई है सामने कि उनके कज़न भाई का निधन हो गया है, जिसके चलते उनके परिवार में मातम छाया हुआ है और परिवार को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका परिवार दुनिया को अलविदा कह चुका है, जिसके लिए उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा निराश है, हताश है और परेशान है, जिसका दर्द खुद छलका है जहर इमाम के शब्दों में सोशल मीडिया पर। नेक्स्ट नाइन लाइव से रोशनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट जहर इमाम के घर से और उनके परिवार से, जहां पर उनके घर पर उनके कजन ब्रदर के निधन के बाद छाया है मातम, जिसका जिक्र, जिसका दुख भरा पोस्ट खुद जहर इमाम ने अपने सोशल पोस्ट के जरिए फैंस के साथ शेयर किया और फैंस जहर इमाम को ठीक रहने की तसल्ली दे रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।